ये हूँ मैं जो कि लोयल एसएमपी के अंदर कमा रहे पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए। पर ऐसा क्यों? वेल मैं क्यों कमा रहा हूँ उससे बड़ा क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे कमा रहा हूँ, मतलब तुम्हें वीडियो में आगे पता चलेगा। बट अभी चलते प्रेजेंट टाइम में। तभी के टाइम पे एसएमपी का एक प्लेयर बल्कि स्टार सर्वर की एक इकलौती शुगर केन ओन करता है, एंड वो शुगर केन मुझे चाहिए, तो अब वो मैं कैसे लूंगा? वेल जिस तरीके से बल्कि स्टार ने इस सर्वर से शुगर केन को रिमूव कर दिया, उसी तरीके से मैंने इस सर्वर से सारा नेदरराइट रिमूव कर दिया। अब हम बल्कि स्टार से शुगर केन ले सकते विद द ट्रेड ऑफ नेदरराइट। हेलो, ओ यस, कहां हो? हेलो हेलो बल्कि भाई, आया भाई, आज फोन पे आ गया। अब तो आइटम लेके क्या है भाई? वो देखो आइटम जो एक शुगर के नहीं बदले होते। आज लोयल एसएमपी में एक ऐसी ट्रेड होने वाली जो कि इसकी एक तरीके से हिस्ट्री में लिखा जाएगा। यस, क्या है तेरे पास एक ऐसा आइटम? चलो आप ही गेस करो कुछ, मतलब कुछ तो एक आइटम, मतलब सोचो ना कि मतलब कि क्या हो सकता है जो कि एक पीस ऑफ शुगर केन के बदले होगा। शुगर केन के बदले क्या ही आइटम दे सकता है तू? एक ये इकलौता पीस है जो तेरे को मेरे हाथ में दिख रहा है, इसके अलावा तो क्या ही दे सकता है मेरे को? ओके, चलो छोड़ो। बल्कि भाई मैं आपको बता दूं, आई थिंक पूरे सर्वर में ये सारी चीजें मेरे पास। ओह, नेदरराइट ब्लॉक्स, एक सेकंड, नेदरराइट आर्मर, नेदरराइट टूल्स और सब कुछ। पर एक ब्लॉक से क्या होगा मेरे का? वेट वेट बल्कि भाई, एक ब्लॉक से मैंने पूरा नेदरराइट माइन कर दिया। पूरे नेदर में से आपको एक नेदरराइट मिल जाए, मेरा नाम बदल जाएगा। व्हाट? नहीं मिलेगा आपको एक भी नेदरराइट। या आई एम नॉट जोकिंग, मैंने और रोतेश ने मिलकर 24 घंटे, पता नहीं कितने कितने घंटे आपने माइनिंग करी, कैसे कैसे करी है, हमारे पिछले दिन कैसे निकले, बट सारे नेदरराइट हमारे पास है। एंड अभी तो मैं कुछ नेदरराइट लेके घूम रहा हूं। तो एक सेकंड देखो, तुम लोगों ने अगर सारा नेदरराइट माइन कर लिया है तो तुम लोगों ने मिसिंग टेम्पलेट्स भी नहीं छोड़े होंगे, राइट? या एग्जैक्टली, वो सिर्फ दो है सर्वर में। तेरे कहने का मतलब ये है कि तेरे हाथ में जो स्मिथी टेम्पलेट्स और नेदरराइट है पूरे सर्वर के अकेले हैं और इसके अलावा किसी के पास नहीं है? हाँ, kind of, हाँ, मतलब सच्ची है ये। हाँ, मतलब अभी शुगर केन से ज्यादा वैल्यू इन दो चीजों की है। तो बल्कि स्टार और मेरी फेयर डील हो जाती है, एंड आफ्टर दैट बचा बुचा जितना भी नेदरराइट है, हाँ इतना सारा बचा बुचा नेदरराइट है, इस सबको मैं एक सिक्योर वॉल्ट में रख के लॉग आउट कर देता हूँ। एंड फिर कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। ओके, तो मैं अभी अभी उठा एंड ये सारी चीज खाली, व्हाट द हेल, इधर एशियन डेब्रिस की सारी चीज थी। बट वेट 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 वेट, आई थिंक रोतेश भाई ने बस ये मूव करी हो। मैं रोतेश भाई को कॉल करता हूँ जल्दी से। हेलो हेलो भाई, अभी हेलो का टाइम नहीं, आप जल्दी से इन गेम आओ, इन गेम आओ, इन गेम आओ जल्दी से। या भाई रुको, अभी अभी उठा। आपने भाई, आपने कोई डेब्रिस मूव करी है क्या हमारे इधर बेस से, जो अपने वोल्ट से, जो अपना वोल्ट था? कौन सी डेब्रिस? मैंने कुछ नहीं किया भाई। अरे जिधर आपने रात को वोल्ट पे रखा नहीं था क्या सारा सामान, शिफ्ट किया था? भाई तो मेरा अभी दिमाग नहीं चला, अभी उठाऊं मैं भाई। आओ आओ आओ, इनके माओ इनके माओ, इधर भाई, सारी एशियन डेब्रिस चोरी हो गई हैं। हां, जल्दी आओ जल्दी आओ, किधर हो किधर हो किधर हो किधर हो? देखो रोदेश भाई, अभी हो गई है डेब्रिस चोरी, कुछ अराउंड पता नहीं कितनी कितनी स्टैक्स डेब्रिस थी। लोयल एसएमपी में सारी डेब्रिस आप रखते थे, यस, वोल्ट से सारा नेदरराइट चोरी हो गया था। एंड इधर मैं और रोतेश भाई सारी होप्स खो चुके थे। इट वाज लिटरली जितना नेदरराइट अभी चोरी हुआ उससे पूरे सर्वर के 10-10 आर्मर बन सकते थे। एंड मेरा मेजर प्लान वही था कि वो सारा नेदरराइट मैं सेल कर दूंगा एंड सर्वर का सबसे रिचेस्ट प्लेयर बन जाऊंगा, वो भी लीगल तरीके से। ऑल्सो जब से नेदरराइट चोरी हुआ है तब से सारे प्लेयर मुझसे गुस्सा है। हेलो, यो यो कोबी भाई, गेमिट भाई, कैसे हो? क्या हो रहा है भाई? पूरे सर्वर से नेदरराइट रैली डायमंड में घूमना पड़ रहा है आपकी वजह से भाई। दूसरे किससे हो भाई? ये देखो कैसे गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं डायमंड। अरे भाई क्या दिखा रहे हैं? अरे 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 क्या, ये तो सुनहरी है गेमिट भाई। सुनो, मेरा क्या प्लान था, असल में मैं नेदरराइट लाऊंगा सारा और मैं बेचूंगा, बट हुआ कि कुछ सारा नेदरराइट चोरी हो गया है। एंड अभी लो लो सुनने डिजर्व करते हो तुम तो भाई, हम तो खुश हो गए, नाचो। अरे खुश क्यों हो रहे हो, मिलेगा तो तब भी नहीं हमको। हाँ ये भी है। तो आप मतलब बोलो, इसका मतलब आप पूरे सीजन बिना ऐसी डायमंड आर्मर में घूमने वाले हो? तो सॉरी भाई, मैं जा रहा हूँ भाई। अबे भाई उतारो, आपका ही दे दो भाई, मैं ही दे दो। देखो अब जैसे ना तैसे नेदरराइट भी तो हमें रिकवर करना ही था, तो उसके लिए मेरे पास एक सॉलिड प्लान आया है। मेरे पास अभी भी एक अनोखी चीज है जो कि ये शुगर केन, नेदरराइट से कम नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक अच्छा प्लान आया है। अभी एक चीज है हमारे पास और जो कि सबसे रेयर आइटम है एंड सबसे बढ़िया चीज है एसएमपी की, जो कि हमारे पास जो एक इकलौती शुगर केन है, ये रही, देख रहे हो आप? तो यस, जला दूं क्या इसको? ना बिल्कुल भी नहीं। अरे सुनो रोजेश भाई, द थिंग इज, अगर उस चोर को इस वोल्ट के बारे में पता है तो वो इस वोल्ट में दोबारा से आएगा, ठीक है? ओ हाँ, ये बात तो सही है। और अगर हम इधर शुगर केन रख के छोड़ देते हैं तो वो शुगर केन भी लेके जाएगा, उसे पता है कि शुगर केन सबसे रेयर आइटम है। एंड अब आप बोलोगे तो चोरी क्यों करने दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर हल्का सा इधर जाके ईएफके चल जाऊंगा एंड ऐसे क्राउच होके
एंड मेरा रिप्ले मोड ऑन होगा एंड उससे मैं देख लूंगा कि वो चोर आया है कौन है वो। ठीक है देखो प्लान तो बहुत बढ़िया है लेकिन बस आई होप कि वो चोर वापस आ जाए शुगर केन चोरी करने। हाँ अगर नहीं आए तो यार अब तो वैसे भी नुकसान लग चुका है अपन को, अब यही एक वे है। मैं पूरे सैम्पियम से गुस्सा है भाई, पूरे सैम्पियम में छोड़ेगी नहीं आप दो भाई जल्दी से। ओके लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो इधर हमने पूरा प्लान सोच लिया था एंड मैं पूरी रात भर एफके चला गया था। शिट मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। नहीं वेट लेट मी चेक, बस 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 शुगर केन चोरी हो गई। रोजेश भाई क्या हुआ, क्या हो गया? शुगर केन चोरी हो गई। अरे तो हाँ तो वो तो बढ़िया प्लान है ना, क्या रिप्ले निकाला? रिप्ले स्टार्ट करने भूल गया था। बे क्या बात कर रहे हो, ये क्या भाई इतना बढ़िया प्लान बनाया खुद ने, रिप्ले रिकॉर्डिंग करना कैसे भूल गए? भाई इधर है ही नहीं यार चेस्ट में, तो रिप्ले तो ऑन करना चाहिए था भाई, क्या हक दिया था यार ओएस भाई रिकॉर्डिंग तो ऑन करनी थी यार। शुगर केन भी गई, मतलब अब तो क्या ही करेंगे अपन, एंसेंट डिब्री भी गायब हो गई यार। मैं मुझे हंसी क्यों आ रही है? तो एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या है, ये साइन बोर्ड तुमने लगाया? क्या ये क्या है, ये क्या लिखा है भाई तुमने? डू यू नीड अ शर्व बैग गो टू 150। एक सेकंड, तुमको नहीं पता क्या ये किसने लगाया ना? मैं तो ये क्या है, मैं तो नीड योर यार अभी तो रिप्ले होने है। रुको 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 रुको। ओके Do you need a shove bag? Go to 1500-5. इधर वर्ल्ड बॉर्डर है। तो जिस भी प्लेयर ने हमारी शुगर केन चोरी करी थी उसने एक साइन बोर्ड लगाया था जिसमें क्लियरली कुछ कोऑर्डिनेट्स मेंशन थे एंड वो हमें सामान देने के लिए रेडी था। ओके तो इधर मैं वर्ल्ड बॉर्डर पे आ गया, यही कोऑर्डिनेट्स थे। बहस की क्रीपर और आ रहे इधर, ईश छोड़ो। ओके वेट इधर कुछ पेपर है। आ, 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 रुको रुको रुको, ये पेपर चाहिए मुझे, मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली ये फिशिंग रोड से हो जाएगा। काम कर रही है, काम कर रहा है या दो आगे, दोनों पेपर आगे, दोनों पेपर आगे। क्या इफ यू नीड अ शव बैग पुट 1 lakh rupees। डैम 1000 कोऑर्डिनेट्स दे रखे। नहीं यार कौन ही गेम खेल रहा है मेरे साथ दोबारा से। शिट तो इधर जो भी चोर है उससे मेरे लिए खिंट छोड़ा है एंड वो सिंपली ये कहना चाह रहा है अगर तुम्हें तुम्हारा सामान वापस चाहिए तो जस्ट इस कोऑर्डिनेट्स पे 1 lakh rupees रख दो। ओके सो इधर मैंने प्लान बना लिया था, मैं स्टार्ट करूंगा रियल एस्टेट का बिजनेस जिसमें मैं लोगों को घर बना बना के बेचूंगा। वेलोलिसम बे के अंदर मेरे दो बेस है भी। तो बारी आती है इस आइस कैसल की, तो देखो करंटली अभी मुझे इस आइस कैसल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो मैं इसे सेल करने वाला हूँ। आपके प्यार की वजह से हमारे चैनल पे हो चुके पूरे के पूरे 50 के सब्सक्राइबर्स। बट वेट अभी हमें रुकना नहीं है क्योंकि हमें टच करने पूरे के पूरे 100 के सब्सक्राइबर्स एंड वो जब भी पॉसिबल है जब तुम में से हर एक बंदा सब्सक्राइब करेगा। सो प्लीज तुम, हाँ तुम ही भाई प्लीज सब्सक्राइब करो, क्या पता हम इस वीडियो के बाद ही 100 के टच कर दे। ओके गाइस तो इधर मैंने बुला लिया है डीजे को जिसको लिटरली पूरे स्नो से प्यार है एंड वो इस कैसल के लिए शायद मूव बोली अमाउंट तो दे ही देगा। एज भाई ये पूरा कैसल स्नो थीम है एंड भाई कितना प्यारा लगता है ना आइस के साथ। यो डायमंड गेमर एश भाई, डीजे भाई कैसे हो? हाँ मैं बढ़िया भाई। तो डीजे भाई आज मैंने इधर आपको कोई टॉक के लिए नहीं बुलाया, मैं आज आपने ये कैसल मेरा देखा होगा, ये कैसल मैंने बनाया है। हाँ, तो मैं इसको सेल पे लगा रहा हूँ। Wait, what? हाँ, इसको मैं मतलब ऐसा लगा रहा हूँ जिसको लेना भाई लो। क्यों सेल कर रहे हो? क्योंकि भाई मुझे है पैसों की जरूरत है इसलिए सेल करूंगा भाई, और क्यों करूंगा। क्यों तुम इंटरेस्टेड हो गया? एंड जैसा मैंने बोला था डीजे बिल्कुल मूव बोली अमाउंट पे मान गया एंड मैंने ये कैसल पूरे डीजे को सेल कर दिया एट 40,000 rupees जिसमें से 35,000 मुझे उसने अभी दे ही दी है एंड 5,000 वो मुझे कल दे देगा। ठीक है ओके भाई आज के ओके 50 notes of 2000। हाँ हाँ भाई चलो भाई ओके डेट वॉज अ नाइस डील। ओके चलो डीजे भाई आप जब कंफर्टेबल हो जब पे कर देना अराउंड 2 days or 3 days में। ठीक है इतने में चलता हूँ। okay. अभी हमें 16,000 और कमाने हैं तो अब चलते हैं अगले बेस की तरफ जो कि होने वाला है इतना बड़ा स्कल कैसल एंड ये मैं बेचने वाला डाकू गैंग को एज ये उनकी गैंग को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो काम पे लगते हैं। हेलो बल्की भाई। हेलो हेलो हाउ इज। मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया लो एसएमपी में। मेरे लिए सरप्राइज? हाँ एक बारी आओ ना सर्वर में आओ एक बारी। ओके आ रहा हूँ एंट्रिंग। ओके ओके किधर हो भाई? हाँ सरप्राइज आप हो किधर हो?
ये क्या है? इधर हो, आप दिख ही नहीं रहे मुझे, किधर हो? ये बहुत बड़ा स्कल के सामने हो, मैं ये क्या चीज है? ये स्कल ही तो, अच्छा आप आएंगे क्या? मैं सोचा आप कहीं दूर वूर हो गए, अपने बेस पे हो गए, मैं आपको दिखाऊंगा, ये इधर बुलाऊंगा, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये क्या बना दिया? अरे रुको 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 रुको, होप आप ये सोचो कि ये आपके लिए, आप ये सोच रहे हो ये क्या है, क्यों है, पता मेरे को है। वैसे ये बेस आपके लिए ही है, बट यू हैव टू पे द अमाउंट फॉर इट, आपको एक अमाउंट पे करनी पड़ेगी इसके लिए। भाई तेरे चल क्या रहा है ये? भाई मैं थोड़ा अलग सिस्टम है, मेरा सिस्टम है अपना। हाँ आप ये बताओ, दूर से देखो पहले, आप दूर से देखो आपको ये बिल्ड कैसा लग रहा है, पहले आप रिव्यू दो अपना। This looks really good. ये हमारी गैंग की थीम के साथ काफी मैच कर रहा है। Exactly, exactly. उसी को दिमाग में रखते हो, उसको ही रिप्रेजेंट करते हुए मैंने ये बेल्ट बनाया। देखो एग्जैक्ट इसका प्राइस था, तो वैसे मैंने इसका प्राइस रखा था 50,000, बट आप हमारे थोड़े प्रीमियम क्लाइंट रह चुके हो डील्स में, तो आपके लिए 40,000। काम करते हैं, तेरी ना मेरी 20 पे डल मारते हैं ना। 25,000 भाई, 25,000। ऐसा करो बल्कि भाई, रुको रुको रुको, माना आजकल ना पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल है, आप 5,000 ना मुझे बाद में कल दे देना, ले जाओ बल्कि भाई। अभी मैं निकाल के दे देता हूँ तेरे को यार, अभी अमाउंट दे देता हूँ निकाल के। चलो भाई आपके लिए 20,000 में डन, सीधा 50% डिस्काउंट मारा 40,000 का भाई। तो मैं विड्रॉ कैश करता हूँ 2,000 के, कितने नोट चाहिए? 10-2,000 के नोट चाहिए ना। तो बची पूछी अमाउंट मैंने रोजेश भाई से एक बार उधार पे ले ली, एंड अब मेरे पूरे 1,00,000 रुपए हो चुके थे, एंड टाइम है अपने डेबिट्स को वापस लेने का।